चार पीढ़ियों से चलता आ रहा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न सब आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है शो एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि टीआरपी लिस्ट के एंड में पहुंच गया था, लेकिन मेकर्स ने शो में अचानक से इतने सारे बदलाव कर दिए कि अब ये जो शो है वो टीआरपी की लिस्ट में आगे बढ़ता ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शो में होने वाले बहुत सारे बदलाव हम सबके सामने आए हैं और अभी भी इतने सारे बदलाव आने बाकी हैं जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिस्पी बॉलीवुड की क्रिस्पी खबरों में। शो में होने वाले हैं नए एक्टर की एंट्री, जी हाँ दोस्तों, और नए कैरेक्टर की भी एंट्री होगी। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो नया कैरेक्टर है वो अभीर का है। नहीं दोस्तों, अभीर के कैरेक्टर को छोड़कर भी एक और कैरेक्टर अब शो में एंट्री मारने वाला है और बहुत जल्द ट्रैक में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसको देखने के बाद तो आप लोग खुश हो जाएंगे। नकली अभीर की कहानी होने वाली है खत्म, क्योंकि गोइंकाज में जो धमाका नकली अभीर मचा रहा है बहुत जल्द उसका अंत होने वाला है और असली अभीर सबके सामने आने वाला है। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा ट्विस्ट है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है नए कैरेक्टर की एंट्री, जिसको एक नया एक्टर प्ले करने वाला है। तो वो एक्टर कौन है? जी हाँ, वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि विनीत रायना है, जो कि इस नए कैरेक्टर को ये रिश्ता क्या कहलाता है में प्ले करने वाले हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो इससे ये पता चला है दोस्तों कि जो विनीत रायना का कैरेक्टर है वो रूही अरमान और अभीरा की ज़िंदगी में तो तूफान लाने वाले हैं, उसी के साथ साथ गोइंकाज की फैमिली में भी तूफानों से भरा मौसम आने वाला है। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस नए कैरेक्टर की वजह से रूही अरमान और अभीरा की जिंदगी जो कि जेलिसी से भर चुकी है उसमें क्या तूफान आने वाला है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं अभीर के कैरेक्टर को देखने के लिए और जो एक नया कैरेक्टर आने वाला है उसको देखने के लिए। हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।